हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ दीपमाला ब्लॉग एंड रेसिपी में। आपका स्वागत है। मैं आज बना रही हूँ दूध से खोआ। खोआ कैसे बनाते हैं ये मैं बना रही हूँ। ये देखिए काओ मिल्क एलिस का, इससे मैं खोया तैयार कर रही हूँ। गैस ऑन कर दी है, कढ़ाई रख दी है। अब इस दूध को हम इस कढ़ाई में डाल देंगे, ऐसे करके आपको डाल देना है। तीनों थैलियों को कट करके आपको दूध को कढ़ाई में डाल देना है। आजकल हमारी यहाँ मिठाइयाँ बहुत बन रही, जिससे हमारे खोए की बहुत जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैं घर पर ही खोया बना रही हूँ। अब हम इसको कम से कम 1 घंटे तक हमको ऐसे ही चलाना पड़ेगा। जब तक इसमें उबाल ना जाए तब तक हमको चलाते रहना है, और इस खोए को बनने में कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा। अब हमको यही चलाते जाना है। चलाते हुए कम से कम 1/2 घंटा हो गया। देखो दूध कितना कम हो गया और दूध बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा होने लगा। अभी इसको पकाने में मुझे लमसम 1/2 घंटा और लगेगा, तो खोया मेरा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। कम से कम 1/4 घंटा हो चुका है, दूध हमारा घटता जा रहा है और गाढ़ा होता जा रहा है। जी मैंने 2 दिन पहले 2 किलो दूध का लमसम खोया बना के रखा था, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा थिक नहीं करा था, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा बना के रख दिया। वो भी मैं इसी को, ये खोया भी मैं इसी में मिला दूंगी। देखिए रबड़ी की तरह बिल्कुल तैयार करके मैंने रख दिया था। मैंने कहा अब इसी में मिला देंगे। कम से कम हमारा दूध हो गया 3.5 किलो। अब दिखाएंगे कि 3.5 किलो दूध का खोया कितना बनकर तैयार होता है। ये दूध मेरा पहले वाला जो दूध था वो मैंने घर के दूध से बनाया था। देखिए खोया मेरा तैयार हो चुका है, लमसम मुझे 1 घंटा बनाते हुए हो गया है, और अभी इसमें 15 मिनट और लगेंगे। 15 मिनट के बाद बिल्कुल खोया मेरा रेडी हो जाएगा। गैस मैंने बंद कर दी है, खोया हमारा तैयार है। और इस खोए को जब ठंडा हो जाएगा तो ये थिक अपने आप हो जाएगा। देखिए ऐसे बना है। कम से कम ये 3.5 किलो दूध का खोया बिल्कुल तैयार, और लमसम इसकी मात्रा होगी 1/2 किलो से भी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इसमें वजन होता है। देखिए और ये जब 1 घंटा ठंडा रखने के लिए रख देंगे तो बिल्कुल थिक हो जाएगा। त्योहारों की भागा भागा में हमें मिठाइयाँ बनानी ही पड़ती हैं, लेकिन हमें मिठाइयाँ बनाने के लिए कुछ सामान चाहिए होते हैं, जैसे कि खोया। लेकिन खोया तो हम तुरंत नहीं बना सकते ना, इसके लिए हम 15 दिन पहले इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसको फ्रिज में 1 महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आज आपको मेरा खोया पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।